और शाम के 4 बजे हुए हैं। अभी मैं ना गुरुद्वारे से आ रही हूँ और मुझे अभी एक वेडिंग पे जाना है। जो ये वेडिंग है ना ही मैं जानती हूँ ना ही जोंगसू जानता है, ये मेरी मदर इन लॉ के आगे दूर के किसी रिश्तेदार की है। मेरी मदर इन लॉ वेडिंग अटेंड करने सियोल में आ नहीं सकती, तो उन्होंने बोला हमें कि आप ये वेडिंग अटेंड कर लो। तो हमने बोला व्हाई नॉट, वेडिंग अटेंड करने में तो हम एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा। जोंगसू घर पे है, वो घर पे आराम कर रहा है और मैं सुबह गुरुद्वारे आ गई थी, तो हम सीधा वेडिंग हॉल में मिल रहे हैं। मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बट कोई बात नहीं, कोरियन वेडिंग में गेस्ट का अच्छे दिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ब्राइड एंड ग्रूम का अच्छे दिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो इतनी टेंशन नहीं है, मैं थोड़ा सा वहाँ पे वॉशरूम में टचअप कर लूँगी। और आप देख सकते हो मैं अभी हाईवे पे खड़ी हूँ और मैं अभी बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ, वहाँ से मैं बस लूँगी। आज पता नहीं क्यों मैं ना बहुत अच्छे मूड में हूँ, और मौसम भी अच्छा है यार, इतना ठंड नहीं है पता है। बस आने से पहले मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बस में एंट्री नहीं है। तो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर स्टेइंग इन कोरिया, और मास्क जो है नोज़ के ऊपर होना चाहिए, ओके? ये मैं अपने आप को बोल रही हूँ, आपको नहीं, ठीक है? ये जो 3006 है ना, वो मेरी बस है। मैं ना टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले पहुँच गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना शॉपिंग मॉल जाके टाइम पास किया जाए। ये है लोटे वर्ल्ड मॉल, चलो अंदर चलते हैं। और मॉल में ना एंटर करते ही मुझे अपनी औकात से बाहर वाले महंगे परफ्यूम दिख गए। चलो कुछ तो अपनी औकात वाला दिखा, और फिर मुझे दिखे कुछ ह्यूमिडिफायर्स, पर मुझे क्या, मुझे कौन सा लेने हैं। और 15 मिनट अपनी टांगे तुड़वाने के बाद फाइनली मैं एक स्टोर में अंदर जा रही हूँ। टाइम पास करने आई थी पर पैसे उड़ा के जा रही हूँ। तादा, ये है वो वेडिंग होटल जहाँ पे शादी है, अभी मैं इसके अंदर जा रही हूँ। और यहाँ पे है ब्राइड एंड ग्रूम की फोटो, लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पे है जोंगसू जो मेरी वेट कर रहा है। ओह माय गॉड, इतना सुंदर वेडिंग हॉल देख के मेरी गरीब आत्मा को लग रहा है मैं कहाँ पे आ गई हूँ। बाय गॉड, मुझे ना अपनी लाइफ में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जितना इस लड़के को अपनी शादी में है। वाह वाह वाह, मैं तो इम्प्रेस होगी इसकी परफॉर्मेंस देख के। रो मत, मुझे भी रो आ रही है। एंड जोंगसू इसलिए खुश है कि अभी शादी हो गई है तो अब खाना सर्व हो जाएगा। अश्लील है ये लोंडा। On behalf of my mother. ये ना कोरियन ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है जिसको देख के मुझे ना अपने शादी वाले ढोल की याद आ गई है। हो
बहुत खुशी हो रही है। ये सोचू है, महंगा सोचू है। गैस मैं अभी जस्ट घर आई हूँ। आपको पता है कि मैंने कोरिया में कितनी सारी शादियाँ अटेंड की हैं कि मुझे याद भी नहीं कितनी की हैं। ये वाला जो वेडिंग वेन्यू था वो मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं ना जैसे ही वहाँ पे पहुँची ना, तो मैं ना वहाँ पे ऐसे सोच रही थी यार ये मैंने जगह देखी हुई है कहीं पे, कहाँ देखी हुई है मुझे याद नहीं आ रहा था। मतलब पूरी शादी के दौरान ना मैं यही सोचती रही, पर मुझे ना याद नहीं आ रहा था, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है। मैं जैसे ही घर पहुँची ना तो मुझे याद आया कि ना जे होप की सिस्टर की मैरिज शायद से इस जगह पर हुई थी। तो मैंने नेट पे फटाफट सर्च किया और मैं इतनी हैरान हो गई कि यार ये तो सेम ही होटल था जहाँ पे उसकी सिस्टर की मैरिज हुई थी। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब इस जगह पे जे होप और BTS के मेंबर्स आए हुए हैं, मेरा तो यार दिन बन गया। जैसे एक होटल में बहुत सारे वेडिंग वेन्यूज होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के बने होते हैं। वेडिंग जो हॉल था वो डिफरेंट था, वो हॉल दूसरा था, बट जो होटल था वो सेम था। तो ये बहुत ही आज मेरे लिए मेमोरेबल वाली चीज हुई है। और अभी मैं जोंगसू से पूछूंगी कि अगर वो कमेंट रीडिंग करना चाहता आता है या नहीं, तो लेट्स सी। हेलो मेरी दोस्त, मैं नहा था फिर लाइंग ऑन द बेड, अभी जो उसके साथ कमेंट रीडिंग है। पहला कमेंट आ रही है, आई वांट टू मैरी जोंसू एंड प्लीज यू ब्रेक अप विद हर, शी इज यूजलेस, आई विल टेक केयर ऑफ योर्स, लव यू जोंसू। पहला, दिस पर्सन डिडंट राइट माय नेम प्रॉपर्ली। मेरा नाम जोंसू है, जोंसू TONGSOO. दूसरा, this is the biggest problem. ये नाम हर्ष गुप्ता है, आई थिंक दिस इज अ गाय, मैं क्या करूँ, ये कौन है, क्या है। ऑफ कोर्स आई लव लड़का फैंस एज वेल, इट डजंट मीन आई कैन लव यू, ठीक है। आई एम स्ट्रेट, आई एम नॉट अ बाइसेक्सुअल, ठीक है। Sorry, but I cannot love you, Mr. Gupta. Okay, you can like me, but you cannot say that I should break up with her. Meri patni only and one Neha Arori hai, theek hai? Hot. Teri sari ki family hot. Agla comment aa rahi hai, I want Jongsu's like husband, otherwise main shaadi nahi kari. Oh, too late. And I guess you cannot get married in this life. If you have this mindset, sorry babu. अगला कमेंट आ रही है, कोरिया में गर्मी कैसे होती है? पहला, ये विंटर है, बहुत ठंडी है। As compared to India, it is different गर्मी। वहाँ पे dry but बहुत गर्मी है ना, तो यहाँ पे less गर्मी है but humid. If you ask me which I prefer, then I prefer Indian गर्मी। वहाँ पे ठीक है। आज का लास्ट कमेंट आ रही है, क्या कोरिया में सारे फैशन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है? इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियोस, आई वेयर ऑलमोस्ट सेम कपड़े, है ना? बट आई फील इंडियन पीपल आर ऑब्सेस्ड विद फैशन, दे लव कलरफुल क्लोथेस एंड व्हेनेवर दे गो आउट दे ड्रेस अप वेरी वेल। आई हैव वेरी लेस कपड़े, सो आई कैन से इट्स पर्सन बाय पर्सन, केस बाय केस। मेरे दोस्त, आज मैं खाना बहुत ज्यादा खाना था, मुझे फेट बढ़ गया। I want to take some rest. But for the next video, I really want to request you to leave many comments and especially interesting comments. Please leave comments. Jada jada. Main wait karunga. Bye, meri dost. See you in next video. And meri dost bhi, leave me jao. Theek hai? Bye. See you in next video.